जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अभी मैंने हाल ही में वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने मैदानी एरिया के क्षेत्रों में जो लाइन परिचायक या लाइन मैन की जो आया था रिजल्ट उसके बारे में बताया था। देखिए, जगदलपुर का जो रीजन है उसका भी रिजल्ट आ चुका है, 3 गुना जो उम्मीदवार है उनकी भी सूची जारी कर दी गई है। ये पूरा लिस्ट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, उसको देख पाएंगे। मैं क्या करता हूँ अभी आपको इसका जो जगदलपुर क्षेत्र है इसका कट ऑफ बता देता हूँ, इस रीजन में कितना कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको जो कट ऑफ है जगदलपुर क्षेत्र के, मैं बात करूँ लाइन परिचायक की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है वो जो जनरल है अनारक्षित है उसके लिए 80 गया है, 80 नंबर का है। और अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए 57 नंबर है, अनुसूचित जनजाति के लिए 57 नंबर है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 57 नंबर है। यहाँ पे कट ऑफ जो है लगभग सेम गया, पॉइंट का ही सिर्फ डिफरेंस है। और ये कट ऑफ मैंने बताया आपको किस आधार पर तैयार किया जाता है, 10वीं में 70% आपका मार्क्स गिना जाता है, उसके बाद बोनस अंक दिया जाता है, 20 और 30 नंबर का अलग अलग बोनस अंक है उसको जोड़ करके ये दिया गया है। और इतना कट ऑफ में जो लिस्ट में आए हैं नाम वो लोग इस पर दावा पत्ती लगा सकते हैं 28 दिसंबर के पहले, अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है। सिर्फ क्या है, केवल कट ऑफ को लेकर के ना, केवल कट ऑफ अंक के संबंध में ही आपको दावा पत्ती लगाना है, अन्य किसी भी संबंध में दावा पत्ती आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो दोस्तों जगदलपुर रीजन की बात हो गई। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ जो अंबिकापुर रीजन है उसकी बात कर लेता हूँ, उसका भी रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अंबिकापुर क्षेत्र का भी रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे जो 3 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट पूरी जारी कर दी गई है, पूरा लंबा लिस्ट आया हुआ है काफ़ी सारे पेजेस का। तो इसका जो कट ऑफ कितना गया है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। कट ऑफ यहाँ पे जो अंबिकापुर क्षेत्र है नॉर्थ, जो छत्तीसगढ़ का नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ का, तो यहाँ पर देखिए जो जनरल है अनारक्षित है तो उसको 79.35 कट ऑफ गया हुआ है, 56.82 कट ऑफ गया है, 56.42 गया है और 59.85 कट ऑफ गया है। कुछ लोग इसको 10वीं का परसेंटेज समझ ले रहे हैं, ये गलती ना करें दोस्तों। 10वीं का जो परसेंटेज था उसका केवल 70% अंक ही लिया गया है, उसके बाद 20 से 30 नंबर जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं CSEB के जो, उनको बोनस अंक दिया गया है 20-30 नंबर का। तो ऐसा मत सोचें कि 10वीं का परसेंटेज का कट ऑफ दिखाया जा रहा है। आगे बात करता हूँ, इसमें वही डेट तय की गई है कि 28 तारीख से पहले वो लोग दावा पत्र लगा सकते हैं और रायपुर जाना पड़ेगा आपको दावा पत्ती लगाने के लिए, अगर कट ऑफ के संबंध में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आगे की, अब कट ऑफ तो आ गया है, सूची भी आ गई है, आपको आगे किस प्रकार से काम करना है उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको समय सारणी दिया गया है, आपको बुलाया जाएगा। किस लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना चिन्हित जो उम्मीदवार, दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा उनके और शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा और दस्तावेजों का सत्यापन क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जो बिलासपुर क्षेत्र है उनका जो दस्तावेजों का सत्यापन है वो 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में चलेगा और फिजिकल भी करवाया जाएगा। रायगढ़ क्षेत्र में 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच किया जाएगा। दुर्ग क्षेत्र में 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच किया जाएगा। राजनांदगांव क्षेत्र में 19 जनवरी से स्टार्ट होगा और 23 जनवरी तक आप लोग का फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। जो रायपुर का जो शहर क्षेत्र होगा और रायपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उसका 18 जनवरी से 5 फरवरी तक किया जाएगा। ये फिजिकल की डेट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो मैदानी एरिया के अभ्यर्थी हैं वो इस डेट पर फिजिकल की तैयारी करके अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट करके वहां पहुंचेंगे। अगला मैं बात करता हूं, केवल एक डेट दी गई है जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत। जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो उम्मीदवारों की संख्या है वो 787 है और 28 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच पूरा कार्यक्रम यहाँ पे सम्पन्न हो जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी और दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। यहाँ पे स्थान भी दिया गया कहाँ पे ये लिया जाएगा भर्ती। और जगदलपुर क्षेत्र की बात होगी दोस्तों, अब अंबिकापुर क्षेत्र की बात कर लेता हूँ मैं। अंबिकापुर क्षेत्र में भी 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में फिजिकल लिया जाएगा। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय परिसर वहाँ पर लिया जाएगा। अंबिकापुर क्षेत्र का 917 कैंडिडेट हैं। अब इसमें किस प्रकार से भर्ती होगी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट में देखिए आप लोग आपके उम्मीदवार जो 10वीं पास हैं कुल प्राप्त अंकों को 70% दिया जाएगा और उसके बाद 3 गुना उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। दस्तावेजों को सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बोनस अंक भी यहाँ पे दिया गया है। आगे इसमें क्या होगा, जो दस्तावेजों का सत्यापन में जो पात्र पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी और अपित्वार जो अपात्र उम्मीदवार होंगे उनकी उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहले स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा आपका और उसमें योग्य पाए जाएंगे आप तभी आपको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा के उम्मीदवार स्वयं के जोखिम पर देंगे ये परीक्षा को, उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के समय
सहमति जो पत्र है वो भी प्रस्तुत करना होगा कि वो अपने स्वयं के जोखिम पे परीक्षा दे रहे हैं और किसी भी प्रकार के यहाँ पे अंक नहीं गए हैं। सारी दक्षता जो परीक्षा होगी कोई भी अंक उसमें नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। यहाँ पे लिखा गया है ये अहकारी परीक्षा है और इसमें सफल होना लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें सफल नहीं होते हैं तो आपको यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। सारी दक्षता परीक्षा किस प्रकार से होगी, 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना आपको नहीं मिलेगी। 13 मीटर ऊंचे खड़े विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा होगी, आपको 20 मिनट में चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की एक बोरी रहेगी, उसको आधा किलोमीटर चलने का की परीक्षा ली जाएगी। आधा किलोमीटर आपको मतलब 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा, उसका वजन कितना रहेगा, 25 किलोग्राम की बोरी रहेगी, 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, वो बोरी लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अब बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि जो खंभा है विद्युत का जो पोल है वो सीमेंट वाला पोल रहेगा चढ़ने के लिए कि लोहे वाला पोल रहेगा, तो इसकी आपको मैं इमेज के साथ पूरा दिखा देता हूँ किस प्रकार से खंभे रहेंगे। एक्चुअली में लोहे का पोल रहेगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयारियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं फिजिकल लेने की आप लोग के लिए। यहाँ पे इस प्रकार के लोहे के खंभे गड़े रहेंगे जिसके दोनों तरफ 3-3 मीटर का जो लेंथ बना होता है उस प्रकार से पकड़ने के लिए इस टाइप का, और जो ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास लगा वहाँ पे जो पोल लगा रहता है वही पोल है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये हल्का सा नेट दिख रहा है, इतना बड़ा सा साइड में नेट रहेगा गिरने से सावधानी के लिए, और इस प्रकार से तैयारियाँ बिल्कुल शुरू हो गई हैं। और ये 13 मीटर लंबा जो पोल है इस पोल पर आपको चढ़ना है निर्धारित समय के अंदर अंदर। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल लिया जाएगा, सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। अभी भी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है, जिनका सूची में नाम आ गया है वो लोग चाहें तो इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ वजन उठा करके चलने का भी आप लोग तैयारी करिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लाइन मैन संबंधित मैंने सभी जानकारी दे दी है आप लोग को, हो सकता है कि आप लोग कुछ जानकारी छूट गई होगी, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से PDF ले सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पे SSC रेलवे ग्रुप डी और NTPC का जो फेज 2 है और छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारियां करवाई जाती हैं और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और वीकली टेस्ट आपका अरेंज किया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो दुर्ग भिलाई के छात्र हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही कम फीस में यहाँ पर कम्प्लीट सिलेबस के साथ तैयारी करवाई जाती है। हमारा संस्थान कृष्णा टॉकीज रोड पर रिसाली भिलाई पर ये आपको मिल जाएगा।